खबर की ओर। रीट पेपर लीक मामले में ईडी की कार्यवाही मंगलवार को भी जारी है। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी के सदस्य बाबूलाल कटारा मास्टरमाइंड सुरेश ढाका और सुरेश कुमार विश्रोई के घर से अहम दस्तावेज मिले हैं। ईडी ने इन सभी के आवास और ऑफिस को सील कर दिया है। आज ईडी की टीम जयपुर के कुछ नेताओं और उनके परिचितों से पूछताछ कर सकती है। ईडी की टीम जयपुर में चार जगहों पर सर्च कर रही है। जयपुर, उदयपुर, अजमेर, जालौर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और सिरोही में कुल 28 जगहों पर ईडी की टीम जांच कर रही है। ईडी के अधिकारी आरोपियों के परिजनों के बयान और वित्तीय लेन देन की जानकारी जुटा रही है। प्रारंभिक जांच में आरोपियों से जुड़े कुछ नए लोगों की जानकारी सामने आई है। पेपर लीक और रुपए के लेन देन के सबूत मिले हैं। सूत्रों के माने तो प्रदेश के एक बड़े नेता के रिश्तेदार से आज पूछताछ हो सकती है। ईडी को कल सर्च के दौरान कई सबूत मिले हैं। इसके आधार पर टीम आज प्रारंभिक जांच पीई भी दर्ज कर सकती है। पीई दर्ज होने के बाद उन सभी से ईडी के अधिकारी पूछताछ करेंगे जिनके खिलाफ उन्हें दस्तावेज मिले हैं। इनमें राजनेता और ब्यूरोक्रेट सभी शामिल हैं।